हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो दैट इन आर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज एंड फंगल डिजीज, हेलमिंथ डिजीज ऑल्सो वी हैव डन। ओनली प्रोटोजोन डिजीज आर लेफ्ट, सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट प्रोटोजोन डिजीज। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है और उसके नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। आज सिर्फ हम प्रोटोजोन डिजीज की बात करने वाले हैं। प्रोटोजोन डिजीज आर जस्ट टू डिजीज इन आर चैप्टर। हमें जस्ट दो ही डिजीज पढ़नी है, एक तो मलेरिया एंड सेकेंड वन इज अमीबियासिस। टू डिजीज आर प्रोटोजोन डिजीज इन आर चैप्टर। इन दो डिजीज के बारे में ही हमें बात करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मलेरिया, दैट वॉट इज मलेरिया, हु कॉज इज मलेरिया एंड वॉट आर इट्स सिम्टम्स। फर्स्ट थिंग इज कॉजल ऑर्गेनिज्म। हु इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया? कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम विवेक्स। एक्चुअली फोर स्पीशीज आर देयर ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। सेकेंड वन इज प्लाज्मोडियम ओवल, थर्ड वन इज प्लाज्मोडियम मलेरिया, फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। टोटल फोर स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज द डिजीज मलेरिया, आउट ऑफ विच फाल्सीपैरम डिजीज स्पीशीज इज वेरी डेंजरस, इट कॉज मलिग्नेंट मलेरिया। फाल्सीपैरम जो स्पीशीज है ये मलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है ह्यूमन बींग के अंदर। मलिग्नेंट मलेरिया इज वेरी डेंजरस, इट इज फैटल, इट कैन कॉज डेथ। ओके, सो दीज आर कॉजल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट थिंग इज वैक्टर। देर इज वैक्टर फॉर दिस डिजीज एंड हु इज दैट वैक्टर? वेरी फेमस मॉस्किटो, दैट इज फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, दिस मॉस्किटो इज वैक्टर ऑफ दिस डिजीज। ये प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ह्यूमन के अंदर छोड़ देता है, जिससे कि हमें मलेरिया हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, मलेरिया के लाइफ साइकिल की, यानी प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करने वाले हैं कि जो प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, कैसे ये मलेरिया करता है। मलेरिया के सिम्टम्स तो यू नो वेरी वेल दैट फीवर होता है, चिल, ठंड लगती है, हेडेक रहता है, मसल क्रैम्प्स रहते हैं, तो सिम्टम्स आर वेरी कॉमन, नो नीड टू राइट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले सपोज दिस इज मॉस्किटो, मैं मॉस्किटो बनाती हूँ पहले, बड़ा ही क्यूट सा ये मॉस्किटो है, ठीक है, चिड़िया जैसा। इसकी सिलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स हैं। क्या हैं? स्पोरोजोइट्स, जो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट। नाउ इट विल बाइट ह्यूमन, ये किसी ह्यूमन को बाइट करने वाला है। ये ह्यूमन है, इसके हैंड पर इसने बाइट किया, यहाँ पर इसने बाइट कर लिया। आफ्टर बाइटिंग ये स्पोरोजोइट यहाँ पर छोड़ देगा। स्पोरोजोइट जो है ह्यूमन की बॉडी में आ गई हैं, और स्पोरोजोइट जब ह्यूमन की बॉडी में आएंगे दे विल एंटर डायरेक्टली इनटू ब्लड वेसल। ये क्या है? एक ब्लड वेसल है, इसकी ब्लड वेसल में ये स्पोरोजोइट ऐसे पहुंच जाएंगी। नाउ यू नो WBC आर प्रेजेंट इन आर ब्लड विच आर सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी। जैसे ही पता चलेगा कि कुछ हमारी बॉडी में एंटर कर गया, WBC फास्टली अटैक करेंगी, इसके ऊपर अटैक करेगी। उस अटैक से बचने के लिए विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये लीवर की सेल्स में पहुंच जाती हैं। ये लीवर है, लीवर की सेल्स का क्या नाम होता है? हेपेटोसाइट्स। व्हाट इज द नेम? हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स में पहुंच जाती हैं ये स्पोरोजोइट्स। हेपेटोसाइट में पहुंचने के बाद व्हाट दे डू? अब ये जब यहाँ जाती हैं इनका नाम होता है नोशाइजोंट, CHIONT, शायजोंट, नॉन शायजोंट, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन मीन्स वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप इनटू मैनी ऑर्गेनिज्म।
मल्टीपल फिशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज शाइजोगोनी, इट इज नोन एज शाइजोगोनी. सो वॉट हैपन्स, ये हेपेटोसाइट्स में यहाँ बना रही हूँ, जब इसके अंदर मल्टीपल फिशन होता है तो जो ये स्पोरोजोइट्स थे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और अब इसका नाम क्या हो जाता है, मीरोजोइट्स. अब इनको क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स. एक हेपेटोसाइट से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे सभी हेपेटोसाइट्स के अंदर ये एंटर करते रहते हैं, मल्टीपल फिशन होता रहता है, अपना नंबर ये बढ़ाते रहते हैं. अब इनका नाम क्या हो जाता है, मीरोजोइट्स. ओके, नाउ नो सिम्टम, कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है इस कंडीशन में, और दो वीक तक ऐसा ही चलता रहता है, अप टू टू वीक्स. ठीक है, नाउ दे एंटर इनटू आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स आर देयर ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ये आरबीसी है. आरबीसी में ये आ जाती हैं एंड दे मेक अ स्पेशल शेप, ये एक स्पेशल शेप बना लेती हैं. कौन, ये जो मीरोजोइट्स अब आरबीसी में आ गई हैं, एंड अगेन दे डू मल्टीपल फिशन, ये फिर से मल्टीपल फिशन का बनता है, बहुत सारी मीरोजोइट्स बनाती हैं. व्हेन दे एंटर इनटू दिस आरबीसी, इनकी शेप का नाम है रिंग स्टेज, इस स्टेज को हम रिंग स्टेज बोल देते हैं. इनका नाम ट्रोफोजोइट्स हो जाता है, ट्रोफोजोइट्स. मीरोजोइट्स अब किस में चेंज हो गई है, ट्रोफोजोइट्स में चेंज हो गई है. एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी में एंटर कर जाएंगी, दूसरी आरबीसी नेक्स्ट आरबीसी में, इस तरह से इनकी साइकिल चलती रहती है. और जब ये रिंग स्टेज बनती है, ये ट्रोफोजोइट बनती है, तो ये क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती रहती है हमारी बॉडी में, उस केमिकल को बोलते हैं हीमोजोइन. क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, जिसकी वजह से क्या आता है, बुखार आता है हमें. ठीक है, हीमोजोइन केमिकल. यहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है, नेम द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर इन द डिजीज मलेरिया, दैट इज हीमोजोइन. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन, अब ये आरबीसी से जब ये निकलती हैं तो ये बनाती हैं मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट आरबीसी में ही बना ली है, ये फीमेल गैमेटोसाइट आरबीसी के अंदर ही ये मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट बना लेते हैं. लेकिन लेकिन गैमेट्स नहीं बनते हैं, गैमेट्स नहीं बनते हैं. वो गैमेट बनने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, जो मॉस्किटो की बॉडी में प्रोवाइड होगा, ह्यूमन की बॉडी में प्रोवाइड नहीं होता है. नाउ दिस मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट, अब एक बड़ा सा मच्छर बनाते हैं हम, मॉस्किटो बनाते हैं. ये है मॉस्किटो. ठीक है, मॉस्किटो की ये क्या है, मिडगट, ये इसकी मिडगट है. नाउ दीज मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट एंटर हेयर, ये यहाँ आ जाती हैं. ये मेल गैमेटोसाइट है, ये फीमेल गैमेटोसाइट है, इससे मेल गैमेट बनेगा, इससे फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे. क्या बनाएंगे, जाइगोट. जाइगोट डेवलप होके फिर से क्या बनाता है, स्पोरोजोइट बनाता है. और ये स्पोरोजोइट अब कहाँ चली जाती है, इसके माउथ में सलेवरी ग्लैंड है, और सलेवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट चली जाती है. फिर से ये स्पोरोजोइट किसी इंसान को काटेंगे, ह्यूमन को काटेंगे, और फिर से यही पूरा साइकिल होने वाला है. यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जो सारा पार्ट्स है, ये जो सारा पार्ट है, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन होस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन होस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो. तो दो होस्ट हो गए हैं, जो एनोफिलीज मॉस्किटो है या प्लाज्मोडियम जो है, उसके दो होस्ट हो गए हैं प्लाज्मोडियम के, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट उसको बोला जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज मॉस्किटो. सेकेंडरी होस्ट उसको बोला जाता है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज ह्यूमन. ओके, सो ये लाइफ साइकिल में तुम्हें सारे नाम याद रखने हैं, कब वो किस सेल में एंटर करती है, कब उसका क्या नाम हो जाता है. ठीक है ना, प्लाज्मोडियम में स्पोरोजोइट कब कौन सी स्टेज होती है, स्पोरोजोइट थी, स्पोरोजोइट स्टेज पूछा जाता है कि ये कौन से होस्ट में होते हैं, सेकेंड प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो में होती है, बाकी सारी स्टेजेस जो है प्लाज्मोडियम की कहाँ पर होती हैं, ह्यूमन के अंदर होती है. क्लियर, नाउ मलेरिया इज कम्प्लीटेड. अब हम अपनी सेकेंड डिजीज की बात करेंगे, दैट इज अमीबियासिस.
उसके बाद हमारी डिजीज खत्म हो जाएंगी, देन विल डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। सो नेक्स्ट डिजीज इज अमीबियासिस। अमीबियासिस डिजीज इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अमीबियासिस इज ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया। ओके, व्हाई ब्लडी डायरिया? इट इज नोन एज बिकॉज इन फिकल मैटर इन स्टूल ब्लड कम्स आउट, ब्लीडिंग अक्कर, दैट्स व्हाई ब्लडी डायरिया इट इज नोन एज। अच्छा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई, वेक्टर इज हाउस फ्लाई। इट्स साइंटिफिक नेम इज मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। नाउ व्हाट हैपेंस? देखो, कोई पर्सन है, बहुत परेशान है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसकी जो फिकल मैटर है, इसको अमीबिक डिसेंट्री हुई है और इसके फिकल मैटर के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटा की सिस्ट है, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। सी, दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड पर्सन, इसको अमीबिक डिसेंट्री हुई है, इसके फिकल मैटर के अंदर एंटमीबा की सिस्ट है और वो सिस्ट टेट्रा न्यूक्लिएट है, ठीक है। अब एक हाउस फ्लाई आते हैं उड़ती हुई मस्ती में, ठीक है, ये हाउस फ्लाई आ रही है, वेरी हैप्पी, एंड ये हाउस फ्लाई आके और इस फिकल मैटर पे बैठ जाती है। नाउ दिस हाउस फ्लाई गोज एंड कोई फूड हम खाने वाले हैं, सपोज हम किसका एग्जांपल लें, समोसे का लेते हैं, ठीक है, समोसा रखा हुआ है, इस फूड को हम खाने वाले हैं और ये हाउस फ्लाई इस समोसे के ऊपर आगे बैठ जाती है और वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट एंटमीबा की वहाँ रख देती है। नाउ अ पर्सन इज देयर, कोई है पर्सन और वो बहुत हैप्पी है कि उसको समोसा खाना है, समोसा खा लेता है। आफ्टर ईटिंग दिस समोसा व्हाट हैपन? लार्ज इंटेस्टाइन, अब हम यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन बना लेते हैं। ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट है ये कहाँ पहुँच जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में, हेयर टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इज देयर, इट डिवाइड, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, एक तो मैग्ना फोम के अंदर, मैग्ना फोम और ट्रोफोजोइट, और एक माइन्यूटा फोम के अंदर। दिस मैग्ना फोम और ट्रोफोजोइट व्हाट इट डू, टू फॉर्म्स आर देयर, मैग्ना फोम एंड माइन्यूटा फोम। जो ये मैग्ना फोम है ये क्या करती है, ये ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड टिश्यू में जाती है, उसको ईट करना शुरू कर देती है, ब्लड टिश्यू को ईट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर ब्लीडिंग होती है। इट ईट ब्लड टिश्यू इन इंटेस्टाइन, ईट ब्लड टिश्यू इन इंटेस्टाइन एंड ब्लीडिंग अक्कर, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग आती है किसके अंदर, स्टूल के अंदर, फिकल मैटर के अंदर। माइन्यूटा फोम क्या करती है, ये डेवलप होती रहती है, इट डेवलप्स एंड अगेन मेक, अगेन फॉर्म टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बनाना ये फिर शुरू कर देती है, फिर से वही सेम साइकिल होने वाला है। तो अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है कि वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन डायरिया होता है और फिकल मैटर के अंदर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो दीज वर ऑल टू प्रोटोजोन डिजीज, ये दो ही डिजीज थी हमारे सिलेबस में प्रोटोजोन डिजीज, जो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्यूनिटी को डिस्कस करने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।